दिमाग में तो कब से एक ही बात बार बार घूम रही है। कौन सी बात दया भाभी? वही कि जब पोपट भाई को पता चलेगा कि विश्वजीत काका उनके लिए ही रिश्ता लेकर आए थे तब क्या होगा? यही सोचिए कि जो होगा अच्छा ही होगा। अरे अरे अच्छा बच्चों, बस अभी मैं जाऊं, मुझे वो सोडा शॉप पर जाना है। एक बार एक आदमी ने अपना मुंह निकाला और अपनी वाइफ से बोला कि मैं तुमसे 10 साल छोटा लगता हूँ, तो उसका वाइफ बोला अगर तुम सर गंजा कर लेते तो 10 साल के बच्चे लगते। क्या बात है यार भैया, जोक पे जोक सुनाया जा रहा, क्या बढ़िया जोक सुनाया। सही बात है भाई, हमारी सोडा पार्टी का मतलब ही यही है कि पूरे दिन की थकान और टेंशन भूलकर शाम को सोडा पिए और हंसी मजाक करें। सही बात है। झगड़ा हो गया था, झगड़ा हुआ था मेहता साहब और बिट भी गया। हाँ मतलब हम लोग का झगड़ा बिल्कुल सोडे की तरह था, जैसे ही बोतल खोली फस 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 सब बाहर आया, बाद में सब शांत हो गया। पोपट भाई ले लीजिए आपके लिए स्पेशल मांडोली सोडा। समझौता कॉम्प्रोमाइज है यार, कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज सोडा। अरे पोपटलाल, तुमने वो बहुत सारे अखबारों में शादी के लिए विज्ञापन दिया था, कुछ रिस्पांस आया? नहीं मेहता साहब, कोई रिस्पांस नहीं आया अभी तक। चलो कोई बात नहीं, वैसे भगवान हर काम में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करता है। रिस्पॉन्स नहीं आया, बहुत बढ़िया हो पोपटलाल, क्योंकि सुना है सरकार जो है वो शादी के ऊपर एक नया टैक्स लगा रही है, मैरिज टैक्स। क्या बात करें मेहता साहब? हाँ मैंने भी ऐसी कोई खबर नहीं सुनी। अगर ऐसी कोई खबर हो तो पत्रकार होने के नाते सबसे पहले मुझे पता चलती है। देखो पोपटलाल, कुछ खबरें ऐसी होती है जो सोर्सेस से मालूम पड़ती है, क्योंकि आज रात को 12 बजे से टैक्स लागू होने वाला है। मुझे तो दिल्ली में जो अपने सोर्सेस है उनसे पता चल गया, जब लागू होगा तब सबको खबर लग जाएगी, अखबार में भी तभी आएगा। पर शादी पर टैक्स क्यों? भाई सोडी होना चाहिए। मैं सरकार के इस कदम का समर्थन करता हूँ। देखिए आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, हमारे देश में आजकल शादियों पे क्या होता है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। वो तो है, लोग अनाप शनाप पैसा खर्च करते हैं। तो भाई सरकार का ये कहना है कि भाई अनाप शनाप पैसा इस तरह से खर्च नहीं होना चाहिए, फिर भी आप अगर करते इस तरह से पैसा खर्च तो कीजिए, लेकिन सरकार को टैक्स दीजिए। लेकिन मेहता साहब, इसमें पोपट भाई जैसे सीधे साधे आदमी का क्या कसूर है? अब्दुल, इसमें सीधे साधे या बदमाश की कोई बात ही नहीं है, कानून तो कानून है, नियम तो नियम है, सबको मानना पड़ेगा। हे भगवान, मुझे तो मेरी शादी धूमधाम से करनी है, कम से कम 10 लाख का खर्चा करना है, अगर 10 लाख खर्च हुआ तो 2 लाख तो टैक्स में ही चले जाएंगे। वैसे एक बात बताऊं भाई, इस टैक्स से हम सबका फायदा है। देखो भाई, इस टैक्स के डर से लोग शादियों में अनाप शनाप खर्चा नहीं करेंगे, खर्चा कम करेंगे, लेकिन जो लोग ज्यादा खर्च करेंगे उन्हें ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा तो सरकार की आमदनी बढ़ेगी, सरकार की आमदनी बढ़ेगी तो देश का विकास होगा। कैंसल भाई कैंसल। शाबाश पोपटलाल, शादी कैंसल है। चलो चलो। अरे ये भाई क्या शादी कैंसल, ऐसा बकवास कानून कैंसल, ऐसे तो दूल्हे का दीवाना निकल जाएगा। एक तरफ सरकार कहती है कि दहेज मत लो और खुद दहेज लेती है। पोपटलाल ये तो टैक्स है ना? टैक्स नहीं, दहेज है, दहेज। मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, क्रांति करूंगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, सबकी दुनिया हिला दूंगा, लेकिन ऐसा जुल्मी कानून नहीं चलेगा। पप्पो, कानून कानून होता है और सबको उसको मानना जरूरी है। सही बात है। और मत मानो ना भाई, जोर जबरदस्ती नहीं है पोपटलाल, सरकार ये थोड़ी करिए कि आप जबरदस्ती शादी करो ही। शादी करने तो हमारी अपनी इच्छा पे निर्भर करता है ना। अगर आपको टैक्स नहीं देना है तो शादी मत करो, कुंवारे रहो सारी उम्र। हाँ सही बात। क्या सही बात है आती भाई, क्या सही बात है, आप सबकी शादी हो गई तो सही बात है। आपको पता है ऐसे कानून से मुझे कितनी तकलीफ और खर्चा होगा?
अरे भाई पोपट लाल भावुक मत हो, हम तो मजाक कर रहे थे। ऐसा कोई टैक्स है ही नहीं भैया मेरे। क्या हंस रहे हैं आप लोग? मेहता साहब कैसा मजाक कर रहे हैं आप लोग? आप जानते हैं कि मैं अपनी शादी को लेकर कितना भावुक हूँ। मुझे अपने शादी के सिलसिले में किसी तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे पोपट लाल भाई तुम तो रूठ गए भाई। देखो हम सभी सोडा क्लास के स्टूडेंट्स कान पकड़ के आपको सॉरी बोलते हैं। सॉरी बैठ जाइए प्लीज। सॉरी बोलो भाई। सॉरी पहले यार, सॉरी बोले यार, दोनों बोलना सॉरी पहले आंख में यार। ये अच्छा है, पहले दिल दुखाओ और फिर सॉरी बोलो। अब पप्पू यारा और दुखी मत हो, और रब करे तेरा बैंड जल्दी बजे। क्या मतलब? तेरा बैंड बजा बरा, शादी जल्दी हो। पोपट लाल लेकिन अपनी शादी में खाने का बंदोबस्त बढ़िया रखना। डॉक्टर आदि, ये मिस्टर कंजूस 1 रुपया बजाने के लिए मिस कॉल देता है, तो ये शादी में क्या खा खर्चा करेगा? अरे ये तो शादी में वो समोसा और व्यापारी देगा सबको। यार भाई ये तो अखबार भी सोसाइटी का पड़ता है। भेड़ा तुम फिर अखबार के नाम पर मुझे तंज कस रहे हो। अरे पता रहने दो, भेड़े का मंतव्य ये नहीं था, जनरली क्या था उसने ना भेड़ा। क्या जनरली होता है ऐसे? ओ पप्पू, ओ तैनू पता है ना, ओ शानदार वधिया शादी के लिए लखा रुपया लगता है। जानता हूँ सोड़ी, जानता हूँ। बूंद बूंद से समंदर बनता है। मैंने पूरी जिंदगी एक एक रुपया जोड़कर बचत करके पूरे 15 लाख रुपए जमा किए मेरी शादी के लिए। क्या 15 लाख रुपया? 15 लाख? और यही नहीं, अपनी होने वाली पत्नी के लिए 30 तोले सोने के गहने भी बनवा कर रखे हैं। 30 तोला सोना? क्या बोला? 30 तोला? हमें क्यों? 30 तोला? 15 लाख? पोपट भाई आप मजाक कर रहे हो ना? मजाक नहीं अब्दुल मियां, मेरी सारी बचत मेरी शादी और मेरी होने वाली पत्नी के लिए है। मैं भले ही एक एक रुपया बचाऊं, लेकिन शादी के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज। आप सब देखिएगा, जब भी मेरी शादी होगी ना, धूमधाम से होगी, लाखों रुपए खर्चा करूंगा। ऐसी शादी होगी, ऐसी पार्टी होगी कि लोग कहेंगे कि शादी हो तो पोपट लाल की शादी जैसी, वरना ना हो। वाह पप्पू, एक गल दस, इतने सारे रुपए तूने इकट्ठे कैसे किए भाई? कंजूसी से। कंजूसी? क्या? कंजूसी से। पता है मैंने अब तक फोन करने के बजाय मिस कॉल दे देकर 1,23,425 रुपए बचाए, और कई बार बस और रिक्शा में जाने के बजाय चलकर आया हूँ, इस वजह से 2,38,317 रुपए बचाए हैं। सही बात है भाई, चलने से सेहत अच्छी रहती है, तो डॉक्टर के भी पैसे बचाए। हाँ बिल्कुल। और आप सब जो कपड़े और सामान बाजार से खरीदते हैं ना, वो सेम कपड़े और सामान मैं अलग अलग 10 बाजारों में घूम कर 50% डिस्काउंट पर ले आता हूँ। पता है आपको उसकी वजह से मेरे कितने पैसे बचे? 3,10,111 रुपए। और ऐसे कर करके मैंने 15 लाख रुपए जमा किए। पोपट लाल, पोपू तूने सच में 15 लाख रुपए जमा किए? बिल्कुल सोड़ी, एग्जैक्ट अमाउंट बताऊं, 15,26,340 रुपए। वाह 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 वाह, पोपट लाल को आज से कंजूस बोलना बंद बंद। पोपट लाल तुम तो बचत के महारत ही निकले भाई, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पोपट लाल तुमने साबित कर दिया कि बचत जीवन में कितनी आवश्यक है। महात्मा गांधी ने कहा था कि बचत हमारा भाई है, और तुमने बिल्कुल वैसा ही करके दिखाया भाई। इस बात के लिए पोपट लाल के तालियां। क्या बात, थैंक यू। मैं तो कहता हूँ पोपट लाल की तुम्हारी जो जीवन शैली है ना, वो एक आदर्श जीवन शैली है। तुम तो हमारे लिए प्रेरणा हो, प्रेरणा। करेक्ट। कल से मैं भी पोपट लाल की तरह कंजूस बन जाऊंगा। नहीं नहीं भिड़े मास्टर, ऐसा नहीं होता है। जिस इंसान के स्वभाव में कंजूसी हो वो ही ऐसा कर सकता है। ओ हाँ जी, ओ मैं किसी को मिस कॉल नहीं दे सकता, और ना ही 10 मार्केट घूम सकता हूँ। मैं भी भैया पैदल पैदल नहीं जा सकता। भाई भिड़े, ये सब सुनकर तू मेरा मेंटेनेंस मत बढ़ा देना। मैं सिर्फ शादी और मेरी होने वाली पत्नी के लिए लाखों पति हूँ, वरना स्वभाव से तो मैं मिस कॉल देने वाला पोपट लाल ही हूँ। लेकिन कुछ भी कहो, जब भी पोपट भाई की शादी होगी बड़ा मजा आएगा। अरे भैया लेकिन होगी कब? मेहता साहब, इस बार मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ,
मैंने हर मैरिज ब्यूरो और अलग अलग अखबारों में मेरी शादी का इश्तेहार दिया है, पर पता नहीं अभी तक कोई रिश्ता क्यों नहीं आया है। अरे ये तो अननोन नंबर है। पुपटलाल पक्का ये तुम्हारे रिश्ते के लिए फोन होगा। ओ स्पीकर पे रख, ओ हमको तेरी शादी की बात करनी है। हाँ लेकिन सब शांति से सुनना भाई। तू चुप रहना भाई। बाँ बाँ बाँ। हेलो, अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हियर। गोल्डन क्रो वापस ले लिया? गोल्डन क्रो है गोल्डन क्रो अवार्ड विनर अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हियर। हाँ पोपटलाल जी, आपने अखबार में शादी का इश्तेहार दिया है ना? मैंने ही दिया। लगता है लड़की के पिताजी है। मेरा नाम वसंत है। अच्छा, पाइलागो पिताजी। पाइलागो वसंत जी। पोपटलाल जी, मैं एक गरीब इंसान हूँ, एक कंपनी में क्लर्क हूँ। बेचारा लड़की का बाप पहले से ही क्लियर कर रहा है, लड़का लालची हो तो पहले ही मना कर दे। अरे वसंत जी, रिश्तेदारी में अमीरी गरीबी ऐसा कुछ नहीं होता है। अमीर गरीब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, रिश्ता बड़ा होता है, इंसानियत बड़ी होती है। आप बेझिझक होकर बात कीजिए। वाह 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 पोपटलाल जी, आप कितने समझदार हैं, आपके विचार कितने ऊंचे हैं। आपकी बातें सुनकर तो मुझे राहत मिल गई। हाँ, मैं तो ये सोच रहा था कि शादी होगी भी या नहीं। होगी, बिल्कुल होगी। अरे समझ लीजिए, हो गई। वैसे नाम क्या है? पोपटलाल जी, नाम तो बताया ना मैंने, वसंत। नहीं नहीं, आपका नहीं, आपकी बेटी का। बेटी? अरे मेरी तो शादी ही नहीं हुई है, मैं तो कुंवारा हूँ, बेटी कहाँ से आएगी? तो फिर आपने मुझे फोन क्यों किया? वो क्या है ना पोपटलाल जी, मुझे भी शादी करनी है, पर मैं गरीब इंसान हूँ, इसलिए मैं आपकी तरह अखबारों में इश्तेहार नहीं दे सकता। आपकी एड देखकर तो आपको बहुत से रिश्ते आते होंगे, उसमें से कोई रिश्ते आप रिजेक्ट कर देते होंगे या लड़की वाले आपको रिजेक्ट कर दें, तो उस रिश्ते के बारे में आप मुझे जरूर बताइए, शायद वो रिश्ता मेरे भाग्य में हो। मैं एक काम करता हूँ, आपको मैं अपना नाम, नंबर और एड्रेस SMS कर देता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? या मेरा रिश्ता नहीं हो रहा और तुम अपना नंबर लगा रहे हो? और तुम क्या बोले, तो लड़की वाले मुझे रिजेक्ट कर दे ऐसा? सॉरी पोपट भाई। अरे क्या सॉरी, खबरदार आगे से मुझे फोन किया तो फोन रखो। यानी कहां कहां से चले आते? कमाल था बंदा, पप्पू को लड़की मिल नहीं रही है और वो बंदा कह रहा पप्पू मेरे को एक लड़की ढूंढ दे। फोन भी आया तो कैसे? देखो भाई, चिंता मत करो पोपटलाल, बिल्कुल टेंशन मत लो। ये जो तुमने इश्तेहार दिया इसका जरूर फायदा होगा। बिल्कुल। अरे क्या फायदा होगा मेहता साहब, इतने दिन हो गए इश्तेहार देकर, एक रिश्ता नहीं आया, टाइम और पैसा दोनों बर्बाद हो गए। इससे तो अच्छा था कि मैं इश्तेहार ही नहीं देता। सुनिए सुनिए सुनिए, आज दोपहर को पोपट भाई के लिए एक रिश्ता आया था, लड़की के पिताजी लेके आए थे। अच्छा, क्या गल कर रहे हैं? क्या आज मेरे लिए रिश्ता आया था? अरे एक मिनट भाई, क्या बधाई दो भाई, इतनी बड़ी बात तू मुझे अभी बता रहा है? वो लड़की वालों ने किसी को भी बताने के लिए मना किया था। अरे मैं आपको इतना उदास नहीं दे सकता था, इसके लिए मैंने आपको बता दिया। अरे अब्दुल, वो तेरे अपने है कि मैं तेरा अपना हूँ? मैंने तुझसे कहा था ना कि उनको मान सम्मान के साथ मेरे घर पर ले आना। सॉरी, लेकिन उनको आपसे नहीं मिलना था, वो सोसाइटी में किसी और से मिलकर आपके बारे में जानना चाहते थे, इसीलिए मैंने दया भाभी से मिलने के लिए कहा। लेकिन पोपट भाई, लड़की वाले बहुत बड़ी पार्टी है, अच्छी गाड़ी में आए थे। अरे अब्दुल, कैसी कार में आए, ये मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए रिश्ता है ये मेरे लिए बड़ी बात है। पर अब्दुल, तुमने मुझे नहीं बताया, लेकिन दया भाभी ने भी मुझे नहीं बताया कि मेरे लिए रिश्ता है। दया भाभी ने मेरे साथ ऐसा किया? दया भाभी, अरे भाई, पर ये तो अंदर जाके दया भाभी का सर घुमा देगा। अभी हमें उसे संभालना पड़ेगा। चलो चलो, संभालो जल्दी, हम लोग क्लब हाउस जा रहे हैं कैरम खेलने। दया भाभी, ऐसा क्यों किया दया भाभी आपने मेरे साथ? क्या हुआ, आप जरा शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाऊं, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने मेरे साथ ऐसा किया। ऐसा क्या हो गया पोपट भाई, ऐसा मैंने क्या कर
दया भाभी, आज मेरे रिश्ते की बात करने लड़की वाले आपके घर आए थे? दया भाभी, आप मेरे लिए मेरी सगी बहन से बढ़कर हैं। मेरे लिए आप सब कुछ हैं। मेरे जीवन में गोकुल धाम का और खास कर उसमें आपका स्थान सबसे ऊंचा है, और आपने इतनी बड़ी बात मुझे नहीं बताई। पोपट भाई, मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या सुनूं दया भाभी, या मेरी पूरी दुनिया हिल गई है, या मैं रोज शादी शादी कर रहा हूँ, रोज इतने अलग अलग अखबारों में इश्तिहार दे रहा हूँ, और आज वही इश्तिहार पढ़कर कोई मुझे देखने आया और आपने मेरी शादी की बात ही मुझे नहीं बताई। पोपट, चुप हो जा, पहले बहू की मजबूरी तो सुन ले। हाँ पोपट भाई, सही बात है भाई, पोपट लाल सुन तो लो। पोपट भाई, आप मेरे लिए सुंदर हीरा जैसे ही हो। तो फिर लड़के वालों की बात मुझे क्यों नहीं बताई? पोपट भाई, लड़की वालों की इच्छा थी कि जब तक ये बात रिश्ते की तरफ आगे ना बढ़े, तब तक ये बात आपको या किसी और को भी हम ना बताएं। हाँ। अच्छा, ओहो, ये बात थी, समझे पोपटलाल? भाई हर बात के पीछे कोई वजह होती है, तुम यूं ही भड़कना शुरू कर देते हो। सही बात है पोपटलाल। हाँ पोपट भाई, ये बात आपसे छुपाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, पर क्या करूं, मैं मजबूर थी। पोपट भाई, उन्होंने हाथ जोड़ के बिनती की थी कि हम उनका भरोसा ना तोड़े, तो ऐसे में हम उनका भरोसा कैसे तोड़ सकते हैं? लेकिन मेरे भरोसे का क्या? मैंने इतने सालों से अपनी शादी के लिए आप सब पर जो भरोसा रखा है, उसका क्या? ए डिब्बे, मेरी बात सुन। सभी माँ बाप जब तक अपनी बेटी का रिश्ता लड़के के साथ पूरी तरह से तय नहीं कर देते, तब तक सभी बातें सभी को नहीं बताते, समझा? हाँ पोपट भाई। हाँ पोपट भाई, समझने की कोशिश कीजिए। अगर उनकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता, ढोल बजाकर सबको बताने थोड़ी जाता। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, यही होता है, ऐसा ही होता है पोपट भाई। पोपट भाई सॉरी। लेकिन एक बात बता पोपट, तुझे ये बात पता कैसे चली? नहीं, हमने नहीं बोला है कुछ भी। नहीं दया भाभी, मैंने कुछ नहीं बताया है। दया भाभी सॉरी, पोपट भाई को मैंने बताया। अब बता के क्या फायदा, लड़की वाले मुझे देखने आए और मैं ही उन्हें नहीं मिल पाया। अरे तू मिला था। मैं कब? ए डिब्बे, आज हमारे घर पे जो विश्वजीत जी आए थे वो मेरे दोस्त नहीं थे। हाँ? वही लड़की के पिताजी थे जो तेरी जानकारी लेने आए थे। क्या? कर भला हो भला। चाचा जी भला करना चाहिए, लेकिन भला करने से भला ही होता है ये जरूरी नहीं है। देखो बेटा, हमारा काम है भला करना, बाकी जो भाग्य में होता है वो मिलता है। कमाल है, एक तरफ आप कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है, और दूसरी ओर आप कहते हैं कि कर भला तो हो भला। भाई ये तो आप दो तरफा बात कर रहे हैं, कोई भी एक बात कीजिए। अरे नहीं नहीं पोपटलाल जी, मैं दो तरफा बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी सोच गलत है। मान लीजिए पूरे जीवन भर आपकी शादी हुई नहीं, तो आप भलाई करनी छोड़ देंगे? क्या क्या कहा आपने कि जीवन भर मेरी शादी ना हो? चाचा जी, ये आपके दोस्त है कि मेरे दुश्मन? मेरे लिए कैसे अशुभ अशुभ बातें सोच रहे हैं? भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। की गलती हो गई? क्या गलती करती पोपटलाल, क्या हुआ? अरे मैं विश्वजीत चाचा से शादी और भाग्य की बात को लेके उलझ गया था। मेरे होने वाले ससुर मेरे सामने बैठे थे और मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाया। मैं बेवकूफ उनसे ही बहस कर बैठा, उनसे नाराज हो गया था। इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। पोपट भाई प्लीज, अब टेंशन मत लीजिए। अरे कैसे टेंशन ना लूं दया भाभी, वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। शादी तय होने के पहले ही कैंसिल हो गई। दया भाभी आपने मुझे रोका क्यों नहीं? अरे डिब्बे, कैसे रोकते तुझे, वो विश्वजीत जी सामने ही तो बैठे थे। पोपटलाल आखिर तुम्हारा दड़ने का स्वभाव ही तुम्हें नड़ गया। ओपो, अब तो अपना स्वभाव बदल। वैसे मैंने उसी वक्त उनसे माफी मांग ली थी, एक बार और माफी मांग लेता हूँ उनसे। चाचा जी उनका फोन नंबर दीजिए ना, मैं अभी फोन करके उनको सॉरी बोल देता हूँ। आपके पास उनके घर का पता है ना, पता दीजिए, मैं घर जाकर उन्हें सॉरी बोल कर आता हूँ। अरे शांति रख भाई, मेरी बात जरा शांति से सुन। अगर उनको रिश्ता नहीं करना होगा तो उनका पता जान के या उनका फोन नंबर जान के कोई फायदा नहीं। लेकिन, और अगर उनको रिश्ता करना ही होगा तो वो खुद यहाँ आ जाएंगे या खुद फोन करेंगे। क्या पता विश्वजीत चाचा मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, क्या फैसला होगा उनका, फोन करेंगे भी कि नहीं, मुझे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। पोपटलाल, पोपटलाल की शादी और उनका रॉकेट,
जैसे ही रॉकेट प्रक्षेपित करने की बारी आती है, पता चलता है कि इसमें ईंधन ही नहीं है। अब क्या होगा भाई? अब देखना यह है कि सपना का रिश्ता पोपटलाल के लिए आता है या नहीं आता है। अब एक मिनट, क्या हो रहा है? ये मेरी बाई आंख क्यों फड़क रही है? कहते हैं ना, जब बायां अंग फड़कता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है। तो गड़बड़ तो होने वाली है। जो पोपटलाल की शादी का जो रॉकेट है, इसमें एक धमाका होने वाला है। और जो धमाका होने वाला है वो यूं होगा। नहीं, अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर बता दिया तो फिर मजा चला जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है जो आपने सोचा नहीं होगा। जी हाँ, ये धमाका अगर मैंने बता दिया तो कल 8:30 बजे आप मिलेंगे नहीं, और हमारा मिलना तो बड़ा जरूरी है। ठीक 8:30 बजे देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। रंजीत नहीं, विश्वजीत। विश्वजीत कहो। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।